हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का सृष्टि द फ्यूचर में। आज हम डिस्कस करेंगे 8 जून की करंट अफेयर। इसमें ऐसे हम क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन को शामिल करते हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके साथ हम जो क्वेश्चन आज मतलब हर एक क्वेश्चन का किसी न किसी चीज से कनेक्टेड होता है, मतलब उसका क्वेश्चन को प्रयास रहा होता है, तभी तो वो क्वेश्चन बन रहा है, नहीं तो कहां से बनेगा। ठीक, तो हम उसी परिपेक्ष में चर्चा भी करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन पर जारी ग्राफिक उपन्यास का शीर्षक क्या है? तो इसका शीर्षक है अजय टू योगी आदित्यनाथ। अब हम आपको बताएंगे अजय, इनका बचपन का नाम क्या था? अजय बिष्ट था और ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। कहाँ के? उत्तराखंड के। और यहाँ से इस बुक में यही चर्चा की गई है कि ये अजय से योगी आदित्यनाथ कैसे बने। और इस बुक के जो राइटर हैं वो शांतनु गुप्ता है। कौन है? शांतनु गुप्ता है। शांतनु गुप्ता, इसके लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता है। इन्होंने इसमें कहा है कि बच्चे इस पुस्तक से अपने आप में धैर्य और दृढ़ संकल्प जैसे गुण भी विकसित कर सकते हैं। ठीक है, दृढ़ संकल्प जैसे गुण भी इस पुस्तक को पढ़कर विकसित कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। गांधी जी के सत्याग्रह के स्मारक के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा फ्रंट लाइन युद्धपोत डरवन का दौरा कर रहा है? तो ये कर रहा है INS त्रिशूल। ठीक, कौन कर रहा है? INS त्रिशूल। अब देखो जो देखते हैं डरवन, डरवन ये कहां पर है? डरवन ये है दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ये स्थित है। ठीक है, जैसे ये है दक्षिण अफ्रीका और ये क्या है? भारत है। तो यहां से ये है, ये पूरा क्षेत्र क्या है? साउथ अफ्रीका जिसको हम बोलते हैं। तो गांधी जी ने यहाँ की यात्रा की थी कब? यहाँ की यात्रा की थी 1893 में। कब की थी? 1893 में यहाँ की यात्रा की। और क्यों की थी? एक दादा अब्दुल्ला थे, दादा अब्दुल्ला, उनका एक केस था, उनका संपत्ति का विवाद अपने ही भाई से था, तो गांधी जी ने उसको सॉल्व किया। इसके तहत ही गांधी जी जब यात्रा कर रहे थे विक्टोरिया से डरबन के मध्य, तो उन्हें अश्वेत मानकर और उनको क्या है, रास्ते में ट्रेन में से गिरा दिया था। ठीक, तो उन्होंने सोचा कि इतना भेदभाव हो रहा है, तो वहीं से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया और वहां पर जो भारतीय लोग थे उनको उनके हक दिलाने में काफी काम किया। और फिर 24 वर्ष के बाद भारत लौटे। कब? 24 वर्ष के बाद, 9 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटे। और तभी से मतलब और भारत के विभिन्न जगहों पर दौरा किया, भारत को समझा। और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार प्रतिवर्ष 9 मतलब प्रत 2 वर्ष पर क्या करती है? प्रवासी दिवस मनाती है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस। तो क्वेश्चन पूछते हैं ना, प्रवासी दिवस कब मनता है? तो ये 9 जनवरी को ही मनाया जाता है। अब देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं। जो हमारे खाद्य मानक हैं वो क्या है? जीवन बचाते हैं। और ये दिवस कब मनाया जाता है? ये 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार विश्व खाद्य दिवस कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2018 में। तब से लेकर ये क्या है? प्रतिवर्ष बनाया जा रहा है। और यूएन ने इसको क्या है? घोषित किया था 2018 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में। और 7 जून से तभी से इसको क्या है? प्रतिवर्ष हम क्या है? बनाते हैं। देखते हैं आगे। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने डिजिटल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने, संयुक्त राज्य, रूस, अमेरिका, ये जर्मनी, किसके साथ किया है? जर्मनी। देखो इसकी क्या है कैपिटल? अमेरिका की वाशिंगटन है। रूस की क्या है? मॉस्को है। जर्मनी की क्या है? बर्लिन। ठीक है,
जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन, और फ्रांस की पेरिस है। तो जो चर्चा में रहते हैं, जिससे हमारी कोई कनेक्टिविटी होती है, उसकी राजधानी अक्सर पूछ लेते हैं। तो अभी चर्चा में अगर जर्मनी है तो जर्मनी का पूछ लेंगे। इसमें जर्मनी में कुछ और है, एक रूर प्रदेश है, ये भी पूछा जाता है। रूर प्रदेश कोयला से संबंधित है, तो पूछ लेंगे रूर प्रदेश कोयला से संबंधित है। तो भारत का रूर क्या, भारत के रूर प्रदेश को क्या कहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एनएचपीसी ने पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट स्थापित कर के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र के साथ किया है। ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। गुजरात इसकी तटरेखा है, अगर अंडमान निकोबार द्वीप को समूह को निकाल दें तो सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य कौन सा है तुम्हारा? गुजरात है। तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, राजस्थान की भी पाकिस्तान से लगती है। महाराष्ट्र ठीक, ये अरब सागर में स्थित है, इसकी राजधानी मुंबई है। ठीक, यहाँ पर एलोरा और अजंता की गुफाएं कहाँ पर है? महाराष्ट्र में ही स्थित है। उसके बाद में कर्नाटक है, कर्नाटक के बंगलुरु को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कर्नाटक है। और आप बताएं ये क्या है, सॉफ्टवेयर का एक यहाँ पर उद्योग जगत है, तो इसको सिलिकॉन वैली ऑफ भारत बोलते हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व बैंक को उम्मीद है कि 5 ईयर 2024 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत तक हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 6.3%, फाइनेंशियल ईयर माने वित्तीय वर्ष। ठीक, मुझे पहले कंफ्यूज हुआ था, मुझे लगा था जो पंचवर्षीय योजना है वो, फिर मैंने आगे क्वेश्चन देखा तो लगा वित्तीय वर्ष। ठीक, तो 6.3, तो देखते हैं ये 6.3 रही है, रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। तो WBO, WBO जो होती है उसकी ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1944 में क्या की गई थी? स्थापना। तो ये कई बार पूछा गया है कि स्थापना कब की गई इसकी, तो इसकी स्थापना 1944 में हुई, और किस समझौते के तहत हुई? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई, या समझौते के तहत हुई। और इस मतलब इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में है, डीसी, वाशिंगटन डीसी में है। तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। टोटल सदस्य कितने हैं? 189 इसके सदस्य हैं। अगर देश पूछ ले कितने हैं तो 189 इसके देश हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस देश ने हाल ही में एक स्वचालित उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है? तो ये काम किसने किया है? इजराइल ने किया है। उद्देश्य इसके पीछे ये रहा था कि जो ट्रैफिक से बचने के लिए हवा हवा में ही आदमी निकल जाए। ठीक, क्योंकि इजराइल में भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, क्षेत्रफल भी कम है, तो उसने अपनी एक नई युक्ति समझ ली और क्या है, एक उड़ान टैक्सी का पहला परीक्षण किया है इजराइल ने। इजराइल की जो राजधानी है वो जेरूसलम है। ठीक है, जेरूसलम। ठीक, संयुक्त राष्ट्र की क्या है? वाशिंगटन डीसी है। जर्मनी की क्या है? बर्लिन है। और जापान की टोक्यो है। आप इनके महाद्वीप और देख लें, किस किस महाद्वीप में ये स्थित है? तो ये तो आपका एशिया में है, ये आपका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में है, ये यूरोप में है, और ये भी एशिया में है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा भारतीय राज्य डोर टू डोर कचरा संग्रह और पृथक करने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है? तो ये क्या है आपका? हरियाणा। मतलब जागरूकता कचरे संग्रह करने के लिए, तो ये कौन बना रहा है? हरियाणा बना रहा है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के साथ ग्रेट कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए श्रीलंका द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष कितना रखा गया है? तो ये रखा गया है 2030 तक। ग्रेट क्या है? लाइट से संबंधित एक पद्धति है, जिसमें क्या है, एक फ्रीक्वेंसी पर लाइट
फिक्स की जाती है, और जैसे भारत में की गई है 50 हर्ट्ज पर, अगर इससे कम होती है तो क्या है, सारी लाइनें गिर जाती है। जैसे एक बार आपने देखा होगा 2009 या 2010 के लगभग पूरी ट्रेनें रुक गई थी, तो क्या है, वो हमारा ग्रिड सिस्टम एकदम खराब हो गया था, शायद 49 से थोड़ा कम आ गया था, तो वो सब रुक गया था। तो ग्रिड की कनेक्टिविटी कई बार तो एक दो बार क्वेश्चन में पूछा गया है कितनी होनी चाहिए, तो 50 हर्ट्ज के लगभग होनी चाहिए। ठीक, तो श्रीलंका के साथ, श्रीलंका देखो ये है श्रीलंका, और ये पाक जल संधि से भारत और श्रीलंका अलग होते हैं, और ये बहुत ही अभी भी चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर हाल फिलहाल में तख्ता पलट हुआ है, और यहाँ पर ये पूर्ण रूप से किसने कर्जे में डूबा हुआ देश है। अशोक प्राचीन अगर काल की बात देखें तो अशोक ने यहाँ पर अपने बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था, महारक्षत और संघमित्रा को। तो ये है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के लिए निम्नलिखित में से कौन से संगठन जिम्मेदार हैं? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन और खाद्य और कृषि संगठन दोनों इसके लिए क्या है, जिम्मेदार हैं। ठीक, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, और इसका किस में है, रोम इटली में है, और ये स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ये खाद्य से संबंधित बात करता है और ये स्वास्थ्य संबंधित बात करता है। तो ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स, अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें।